तो तुम जो काम कर रहे हो तुम्हें पता चल रहा है कि यार इससे ये चीज बढ़ रही है, एजुकेशन। तो एजुकेशन का जो अप्लाइड पार्ट है तो तुम्हारे लिए एजुकेशन बोरियत हो गई कि यार मेरे कैसे काम, मेरे किस काम की है पढ़ाई, तुम्हारे सारे काम की पढ़ाई है। लोगों ने मुझे फोन किया, आया तुम्हारा पेज हैक हो गया, मैंने कहा बनाया ही नहीं, हैक कहां से होगा। एक कोई पकड़ लो कायदे के आदमी को, उसके लड़के को बना दो, सिर्फ पढ़ाओ मत बना दो। हर कहानी के पीछे एक मैसेज है, तो जो समझदार दिमाग है वो मैसेज को पकड़ते हैं और वो मैसेज उनके लिए सीख बन जाती है। जैसे जो राम की पूजा करते हैं, भारत के लोगों को तो बहुत महान होना चाहिए क्योंकि भारत के लोग श्री राम की पूजा करते हैं। श्री राम का मतलब त्याग और तपस्या, पर है किसी के अंदर? जितने लोग डॉक्टर अंबेडकर को इतना प्यार करते हो, 1% भी उनका जैसा बनने की कोशिश करते हैं? तो जो समझदार लोग हैं ना, वो कहानी के पीछे जो मैसेज है उसको समझ जाते हैं, उस मैसेज का जीवन में बड़ा इस्तेमाल है। जैसे मैंने जब फोटोसिंथेसिस पढ़ा तो मुझे पता चला कि यार चंद्रमा क्यों मामा कहा जाता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। रोशनी तो है लेकिन उसकी रोशनी में एनर्जी नहीं है, दूसरे की रोशनी है, सैटेलाइट। तो मुझे पता चला कि नहीं दोस्त, तुमको भी फोटोसिंथेसिस ही करना है, देना है लोगों को, तो तुम भगवान बने रहोगे। जिसको नहीं दे पाओगे वो गाली देगा, बुराई करेगा। आप जिनके इंटरेस्ट में नहीं है वही तो आपकी बुराई करते हैं, आप जिनके इंटरेस्ट में है वो तो आपको भगवान मानते हैं। तो यहां ना तो कोई आपका दुश्मन है ना कोई दोस्त है, आप जिसका इंटरेस्ट पूरा कर रहे हैं वो आपको भगवान मान रहा है, जिसका इंटरेस्ट नहीं पूरा कर रहे हैं वो आपसे नफरत कर रहा है। तो जो भगवान मान रहा है उससे खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस दिन इंटरेस्ट तोड़ दोगे वो भी भगवान नहीं मानेगा। और जो आज तुम्हें दुश्मन मान रहा है, कल तुम उसका इंटरेस्ट पूरा करोगे वो तुम्हें भगवान मानने लगेगा। तभी तो एरिस्टोक्रेसी कहती है देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट। अभी यहां जितने अगल बगल कोचिंग है वो बोलती होंगी यार दिल्ली से 4 दिन के लिए आ गए, डेली थोड़ी आएंगे, ऐसा वैसा फलाना। अभी मैं इकरा छोड़ के चला जाऊं वो मेरी पूजा करने लगे। तो कहानियों से तुम्हें सिर्फ समझना है, मैसेज लेना, लेसन। इकोनॉमी पढ़नी है, पॉलिटी, इसीलिए तो पढ़ाई इतनी मजेदार चीज है। आज की एजुकेशन सिस्टम ने क्या किया, पढ़ाई से मजा छीन लिया। वो जो एजुकेशन का मजा है वो उसने छीन लिया। तुम दूध पी रहे हो, प्रोटीन बढ़ रहा है, तो तुम जो काम कर रहे हो तुम्हें पता चल रहा है कि यार इससे ये चीज बढ़ रही है, एजुकेशन। तो एजुकेशन का जो अप्लाइड पार्ट है वो गायब हो गया। तो तुम्हारे लिए एजुकेशन बोरियत हो गई कि यार मेरे कैसे काम, मेरे किस काम की है पढ़ाई, तुम्हारे सारे काम की पढ़ाई है। तो जब तुम इस तरह से पढ़ोगे और तुम्हारा विजन डेवलप होगा, पर्सपेक्टिव चेंज होगा, तब तुम्हें डिप्रेशन नहीं होगा कि भाई आईएएस नहीं बनेंगे, चुनाव लड़ेंगे, कोई बात नहीं। अभी चूंकि तुम्हारे अंदर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो तुम अंदर से परेशान हो। यार नहीं हुआ तो क्या होगा, मतलब तुमको यह नहीं लग रहा है कि पढ़ाई कीमती है, तुम मजबूरी में पढ़ रहे हो। ये जो तुम मजबूरी में पढ़ रहे हो इसीलिए पढ़ाई तुम्हारे लिए स्ट्रेस बन गई है। अगर यही पढ़ाई तुम्हें फील कराने लगे कि एवरी डे तुम्हें कुछ मिल रहा है, देखो तुम्हारा स्ट्रेस खत्म हो जाए, तुम खुशी खुशी क्लास आओगे।
टीचरों ने क्या किया, टीचरों ने क्या किया, पढ़ाने को पेन ले लिया है, मस्त नहीं रहते क्लास में। एकदम सीरियस, जीरो नॉनसेंस, कोई मजाक नहीं, नहीं पढ़ोगे तो बर्बाद हो जाओगे, फालतू की बातें, पढ़ेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। गुरुजी कितना पढ़े, कितना सीरियस हो गया टीचर यहां का, बच्चों को मार रहा है, डरा रहा है बच्चों को, बच्चे स्कूल जाते वक्त डर रहे हैं। बच्चों को तो स्कूल ऐसे जाना चाहिए जैसे वो मॉल जाते हैं, रात में 2 बजे उनके कान में कह दो मॉल, उठ के खड़े हो गए चलो। कितना सुबह नाटक करते हैं बच्चे स्कूल जाने के लिए, मारो, बहुत सारे पेरेंट्स मारते हैं, हमारे तो बच्चे जाते ही नहीं थे, सो रहे तो मैंने कहा ठीक है सोने दो यार, चलो हफ्ते में 1-2 दिन चले जाया करो, ठीक है। तो टीचर बोलती थी पेरेंट टीचर मीटिंग में, अटेंडेंस इज सो लो, व्हाट दे विल डू, यू डोंट वरी, यू डोंट बॉदर, आई विल बॉदर। तो तुमने पढ़ाई का जो सबसे प्यारा एस्पेक्ट है वो खो दिया, अप्लाइड। अगर मजा आने लगे तो तुम 10-10, 12-12 घंटा बैठ के पढ़ोगे, उसी मजा को तुम्हें फिर से जिंदा करना है। बस आईएएस का लड़का, पीसीएस का लड़का एक एडवाइजर बन जाएगा, आर्टिकल्स लिखने लगेगा, क्योंकि हर चीज उसे दिखाई पड़ने लगेगी ना। पर तुम आर्टिकल क्या लिखना, तुम पढ़ते ही नहीं आर्टिकल, लिखना तो बहुत दूर है, तुम पढ़ते ही नहीं। यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, ये अपने एनुअल डे पे किसको बुलाते हैं, तो चलो बॉलीवुड में भी बहुत पढ़े सारे लिखे लोग हैं, पहले कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज में लिटरेट लोग बुलाए जाते थे, सिर्फ पढ़े लिखे लोग बुलाए जाते थे, किसी को भी बुला लेते हैं, बस इन्फ्लुएंसर होना चाहिए। जो लड़के मेरे नाम पे YouTube चलाते हैं उनका 3-3, 4-4 मिलियन सब्सक्राइबर है, जो मेरे नाम पे YouTube चलाते हैं 4 मिलियन सब्सक्राइबर, 5 मिलियन इंस्टाग्राम उनका इतना है, इतना मेरे इंस्टाग्राम चैनल है, मुझे पता ही नहीं कौन सा कौन चला रहा है। ट्विटर अकाउंट इतने हैं, मैं अपना ही नाम टाइप करता हूं 15-20 नाम आ जाते हैं, मैं सोचता हूं कौन चला रहा है यार इसको। फेसबुक पेजेस इतने लोग चला रहे हैं, 6 महीना तो उस पर एक साहब ब्लू फोटो ही डालते रहे, मजा आ रहा होगा, मैं भी देख लेता था डेली आज कौन सी फोटो लगी है। लोगों ने मुझे फोन किया, आया तुम्हारा पेज हैक हो गया, मैंने कहा बनाया ही नहीं, कहां से होगा, कोई तफरी ले रहा होगा, तुम्हारा नाम बहुत खराब हो रहा, मेरा नाम है ही नहीं खराब, कोई चीज तब होती जब होती है, जो है ही नहीं। फिर वो भाई साहब उब गए, फिर उन्होंने खुद ही बंद कर दिया कि यार कोई फायदा ही नहीं हो रहा है। तो तुमको पढ़ाई को, वो जो पढ़ाई का एसेंस है उसको फिर से पैदा करना पड़ेगा, तभी तो कलाम साहब ने कहा एजुकेशन इंपार्टेड बाय हार्ट कैन ब्रिंग रेवोल्यूशन इन द सोसाइटी। तो तुम यार जबरदस्ती मत पढ़ो, बैंकिंग पढ़ो, बैंकिंग से तुम्हें पता चलेगा पैसा रोटेट कैसे होता है, सेविंग अकाउंट क्या है, करंट अकाउंट क्या है, डीमैट अकाउंट क्या है, फिर तुम खुद से स्मॉल स्मॉल सिप से पैसा कमाने लगोगे, SIPs, म्यूचुअल फंड्स, शेयर मार्केट,
पर इंडिया की जो पढ़ाई का वो है अप्रोच, उसमें पढ़ाई सिर्फ नौकरी के लिए है। ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए है ही नहीं। जो लड़का ट्वेल्थ कर लिया वो फिजिक्स नहीं पढ़ा सकता, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो। कितने लोग बाहर अच्छे अच्छे ट्यूशन ढूंढते हैं। एक कोई पकड़ लो कायदे के आदमी को, उसके लड़के को बना दो, सिर्फ पढ़ाओ मत, बना दो, पढ़े चाहे जैसे वो, पर बना दो उसको। देखो कितना तुमको पेरेंट्स पैसा देंगे। पर इंडिया में एम्प्लॉयमेंट मतलब आईएएस, बाकी कोई एम्प्लॉयमेंट ही नहीं, तो सब परेशान है।